क्लास वर्क देखते हैं क्लास वर्क में आज हमने क्या दिया है चैप्टर सिक्स था आवर स्कूल उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्लास वर्क में है क्लास वर्क वाट इज अ स्कूल व्हाट मीन्स क्या इज मीन्स है ए मीन्स कि स्कूल मीन्स स्कूल स्कूल क्या है स्कूल किसे कहते हैं या फिर स्कूल क्या है तो आप आंसर क्या लिखोगे ए स्कूल इज द प्लेस वेयर

पढ़ना राइटिंग लिखना स्पीकिंग, बोलना सिंगिंग और गाना गाना ई इत्यादि एक स्कूल क्या होता है एक स्कूल वह स्थान होता है जहाँ हम प्रत्येक चीज़ें सीखते हैं जैसे कौन कौन सी चीज़ें सीखते हैं पढ़ना लिखना बोलना और गाना इत्यादि जहाँ हम इन सब चीज़ों को सीखते हैं उसी को हम स्कूल कहते हैं उसी को हम स्कूल कहते हैं सेकंड क्या है व्हाट इज़ एन असेंबली हॉल व्हाट मींस क्या इज मींस है एन मींस एक असेंबली हॉल मींस सभा जहाँ सभी लोग एकत्रित होते हैं उसे असेंबली हॉल कहते हैं मीन्स सभा असेंबली मीन्स क्या बताया था मैंने सभा इसका आंसर आप क्या लिखोगे एन असेंबली हॉल इज़ प्लेस वेयर द फंक्सन आर हेल्ड एन मीन्स एक असेंबली हॉल मीन्स सभा जहाँ बुलाई जाती है जहाँ सभा जहाँ सभी लोग एकत्रित होते हैं उस हॉल को असम्बली हॉल कहते हैं इज़ द्लेस इज मीन्स है द प्लेस मीन्स अस्थान वेयर मीन्स जहाँ द फ्क्सन मीन्स समारोह आर हेल्ड मीन्स आयोजित किए जाते हैं एक असेंबली हॉल वह स्थान है जहाँ सभा आयोजित की जाती है सॉरी जहाँ समारोह आयोजित किया जाता है जहाँ कोई भी फंक्शन आयोजित किया जाता है उसे असेंबली हॉल कहते हैं ठीक है असेंबली हॉल कैसे कहते हैं जहाँ सभा आयोजित की जाती है जहाँ समारोह आयोजित किया जाता है उसे असेंबली हॉल कहते हैं असेंबली हॉल में और क्या होता है असेंबली हॉल में असेंबली भी होती है ठीक है तो जहाँ सब समारोह आयोजित किया जाता है उसे असेंबली हॉल कहते हैं आइए होमवर्क देखते हैं होमवर्क में फ़र्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर स्कूल प्रिंसिपल व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर स्कूल प्रिंसिपल आपके स्कूल के प्रिंसिपल का क्या नाम है तो आपके स्कूल का स्कूल के प्रिंसिपल का क्या नाम है मिस्टर नवीन जोन तो आप क्या लिखोगे द नेम ऑफ माई प्रिंस इस्कूल प्रिंसिपल इज मिस्टर नवीन जौन और वाट इज़ द कलर ऑफ़ योर स्कूल बिल्डिंग आपके स्कूल के बिल्डिंग का कलर कौन सा है किस कलर का है तो आप क्या लिखोगे किस कलर का है लिखोगे द कलर ऑफ माई स्कूल बिल्डिंग इज़ रेड येलो एंड वाइट किस किस कलर का है रेड येलो एंड वाइट ठीक है और थर्ड क्या है हु इज़ योर क्लास टीचर आपके क्लास टीचर कौन है आपके क्लास टीचर का जो नाम होगा वो क्लास टीचर का नाम लिख देना क्या लिखोगे आपके क्लास टीचर जो होंगे वहाँ इनका नाम वहाँ नाम यहाँ पर नाम लिखना उसके बाद फिर इज़ द क्लास टीचर ऑफ़ माई क्लास या फिर ये लिख देना माई क्लास टीचर इज़ जो नाम होगा वो लिख देना ठीक है बस इतना ही आपको करना है थैंक यू